गुरु शनि की युति 13 महीनों पर रहेगी भारी। हिंदुस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यह गुरु शनि मिलकर क्या खेल दिखाएंगे? 12 राशियों को कैसे करेंगे प्रभावित? देखिए इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा की भविष्यवाणी। नमस्कार दर्शकों, ज्योतिष जिज्ञासा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मयंक शर्मा और हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु और शनि की युति की, जो कि 30 मार्च को हो चुकी है। और गुरु शनि युति के कारण ये युति, पहले तो बता दें, 13 महीने तक रहने वाली है। और इस युति के कारण पूरे विश्व पर, जी हाँ पूरे विश्व पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। हमारे बहुत से दर्शकों ने हमारे से जानना चाहे कि इस दोनों युति के कारण पूरे विश्व में क्या घटनाक्रम हो सकता है, किन देशों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सबने अपने अपने देशों के बारे में पूछा। जैसे मेरे पास US से कॉल आया, ऑस्ट्रेलिया से भी कॉल आया है, इंग्लैंड से भी कॉल आया है और फ्रांस से भी कॉल आया है। तो वो लोग जानना चाहते हैं कि हमारे देश में क्या स्थिति रहने वाली है आने वाले समय में, क्या ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी कंटिन्यू रहेगी, कब तक ठीक होगी, या हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कोई बड़ी विनाशकारी स्थिति हमारे देश में तो नहीं बनने जा रही है। तो दर्शकों, हम आपको इस सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कुछ चुनिंदा देश जिनकी स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने देश हिंदुस्तान की। जी हाँ, देखिए हिंदुस्तान के लिए वृषभ लग्न कर्क राशि है और ये जो युति हो रही है हमारी, अगर राशि के हिसाब से देखें तो सप्तम भाव में हो रही है, और अगर ये लग्न के हिसाब से देखें तो नवम भाव में ये युति हो रही है। देखिए शनि गुरु और साथ में अभी मंगल भी विराजमान है फिलहाल वहाँ। हालांकि आज हम शनि और गुरु की बात कर रहे हैं, जो कि 13 महीने का ये एक साथ एक राशि में रहेंगे और 30 जून तक गुरु यहाँ पर अभी मकर में रहेंगे, बाद में वक्री हो जाएंगे, वापस धनु में चले जाएंगे। तो दर्शकों, इस दोनों जो गठबंधन होगा, इन दो ग्रहों का जो मेल मिलाप होगा, इसका क्या परिणाम रहने वाला है। देखिए इतिहास गवाह है कि गुरु शनि की युति जो है पूरे विश्व के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। जब जब ये युति हुई है तो विनाशकारी स्थितियां बनी हैं विश्व में। जी हाँ, और कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले कैसे रहने वाला है। देखिए हिंदुस्तान के लिए ये जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति है गुरु और शनि की, ये काफ़ी अच्छे रहने वाली है, ये काफ़ी फायदा रहेगी। हालांकि गुरु यहाँ नीच का है और शनि यहाँ पर स्वराशि के हैं, तो दोनों का नीच भंग भी बन रहा है यहाँ पर। कुल मिला के हिंदुस्तान के लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हमारे यहाँ जो घरेलू मसले हैं, घरेलू समस्याएं हैं, जो घरेलू कलह है वो समाप्त होता हुआ नज़र आएगा। देश में हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे। कुल मिलाकर हिंदुस्तान के लिए अगर देखा जाए तो ये जो योग है ये बहुत अच्छा रहेगा। किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी इस योग के दौरान नहीं आने वाली है दर्शकों। अब बात करते हैं एक बड़े कंट्री हिंदुस्तान की तरह ही, जो कि बहुत बड़ा विकसित देश है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहाँ से रोज़ मेरे पास कॉल आते हैं और दर्शक जानना चाहते हैं कि हमारे देश में अब क्या होने वाला है। देखिए जैसे मैं बता दूं कि इस ग्रह नक्षत्र के कारण, 13 महीने की युति के कारण अमेरिका में हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। वहाँ पर आर्थिक मंदी आ सकती है, वहाँ बेरोज़गारी बढ़ सकती है, कोई गंभीर घटना वहाँ पर अमेरिका में हो सकती है, कोई हमला इस तरह की स्थिति से भी वहाँ, या कोई बड़ी दुर्घटना इस दौरान वहाँ हो सकती है। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है अमेरिका में। और अब बात करते हैं ब्रिटेन की। देखिए ब्रिटेन में भी हालात इतने बेहतर नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ग्रह नक्षत्र के हिसाब से गुरु और शनि की युति जो है वहाँ पर काम कारोबार की स्थिति को बिल्कुल ख़त्म सा कर देगी, एकदम काम डाउन हो जाएगा। वहाँ आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति वहाँ इतनी अच्छी नहीं रहेगी, कोई ना कोई समस्या वहाँ घिरी रहेगी। जैसे कि हमने आपको बोला था कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये कोरोना वायरस का असर बड़ा लंबा चल सकता है, क्योंकि आपको ये पता होगा कि धनु राशि में अभी केतु चल रहे हैं और वो मूल नक्षत्र में हैं, तो सितंबर तक वो वहीं रहेंगे। तो सितंबर तक तो ये मान के चलिए कि वहाँ बहुत ज़्यादा हालात बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कोई ना कोई आर्थिक हानि, शारीरिक कष्ट, कोई परेशानी वहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। जहाँ तक बात करें फ्रांस के लिए, तो फ्रांस के लिए और रशिया के लिए ये जो योग है बहुत अच्छा रहेगा। उन देशों के सितारों के अनुसार ये स्थिति उन दोनों के लिए, देशों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, वहाँ पर कोई बड़ी परेशानी इस समय नहीं रहने वाली है। कुल मिलाकर उनके लिए ये बेहतर स्थिति रहेगी। अब बात करते हैं एक प्रमुख देश चाइना, जहाँ से ये बीमारी का जन्म हुआ है। देखिए चाइना के हालात जो, जैसे कि हमने आपको पिछली कुंडली में भी डिस्कस किया था कि चाइना के हालात भविष्य में अच्छे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं।
वहाँ पर आर्थिक परेशानी रह सकती है, कोई और समस्या, कोई और बीमारी वहाँ दोबारा उभर सकती है, वहाँ काम काज के हालात भी इतने बेहतर नहीं रहने वाले आने वाले समय में। तो चाइना की कुंडली जो है एक बेहद संघर्षशील दिखा रही है, बड़ा संघर्ष उनको करना पड़ सकता है। तो दर्शकों, ये हमने कुछ आपको विश्व के मुख्य देशों के बारे में बताया। एक देश रह गया ऑस्ट्रेलिया से भी, जहाँ से डिमांड आई है कि वह हमारे देश के बारे में बताएं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक स्थिति जो है कोई उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की और सिंगापुर की, इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, इनके यहाँ काम कारोबार अच्छा रहेगा, कुल मिलाकर इनके देश में स्थिति बेहतर रहने वाली है, बेरोजगारी की समस्या जो है वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन इन दोनों देशों में ये ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, वहाँ पर भूकंप के झटके कुछ इस बार ज़्यादा महसूस होंगे, बरसात ज़्यादा होगी, और यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया में भी नज़र आ रही है, इस वर्ष वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ पर कुछ थोड़ा परेशानियाँ, कोई दुर्घटना का सामना भी करना पड़ सकता है वहाँ पर, या किसी तरह का वहाँ पर कोई जातीय हमला भी हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, आर्थिक स्थिति उनकी बेहतर रहेगी, ऐसे कुछ उनके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं दर्शकों। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, शनि गुरु की युति बता रहे हैं, तो हमारी राशियों का भी असर बताइए। तो दर्शकों, हम आपको आपकी राशि का भी बता देते हैं कि 12 राशियों के हिसाब से ये कैसा रहने वाला है। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये योग दशम भाव में बनेगा, काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी, कोई बड़ी परेशानी आपको नहीं रहेगी, लेकिन कार्यस्थल पर आपको सावधान रहना चाहिए, लापरवाही करी तो वो बहुत महंगी पड़ेगी। सुख साधनों के लिए समय बहुत अच्छा है, नया वाहन, नई गाड़ी ले सकते हैं, नया घर भी इस समय लेने का योग बन रहा है। वृषभ राशि वालों के भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, भाग्य चमकेगा उनका, जो रुके हुए काम थे वो पूर्ण होंगे, मित्रों के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध आप संभाल कर चलिए, वो रिश्ता खराब होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। दर्शकों, मिथुन राशि वालों के लिए ये जो शनि और गुरु की युति है ये बहुत अच्छी रहेगी, उनको मानसिक तनाव से राहत मिलेगी, उनको काम कारोबार में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, दूर दराज की यात्रा का भी योग बनेगा, जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है, मतभेद को टालें तो बेहतर होगा, विदेश यात्रा का योग बन रहा है। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए समय काम कारोबार लाभ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कर्क राशि वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के योग बने, थोड़ा सावधान रहिए, अन्यथा आपको बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है कर्क राशि वालों, और इस समय आपको मानसिक तनाव से बचना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, पैसा आपके पास काफ़ी आएगा, नए कार्य की शुरुआत करने के लिए बेहतरीन समय है। बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा, रोजगार के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, विदेश यात्रा का भी आपका इस समय योग बनता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, आपके लिए संतान सुख की वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है, अगर अभी आपके संतान का अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, काम कारोबार की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपके लिए योग चतुर्थ भाव में बन रहा है, तो सुख साधनों की वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, थोड़ा इस समय माता की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए, घर परिवार में वाद विवाद से बचें, मानसिक तनाव से बचें, कार्यस्थल पर किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल नहीं आपको करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपके ये पराक्रम भाव में बनेगा, तो पराक्रम आपका बढ़ चढ़ कर आगे बोलेगा, मित्रों के साथ संबंध इस समय आपको अच्छे रखने चाहिए, उनके साथ संबंध खराब करें तो कोई नुकसान हो सकता है, धर्म कर्म में आपकी इस समय रुचि बरकरार रहेगी, भाग्य भी साथ देगा। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, ये समय कुल मिलाकर आपके लिए काफ़ी राहत देने वाला रहेगा, परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, बीमारियों से आपको राहत मिलेगी, धन लाभ के भी योग बनेंगे, अगर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नई नौकरी मिलती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपको इस समय अपना थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कष्ट यहाँ पर गुरु दे सकते हैं, नए कार्य की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय है, व्यापारियों के लिए ये बहुत ही शानदार समय रहेगा, विवाह के भी योग आपके भी बनते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, ये समय आपके लिए थोड़ा खर्च अधिक दिखा रहा है, खर्च की अधिकता रह सकती है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, कोई अपने भी आपको इस समय धोखा दे सकते हैं, तो किसी नए व्यक्ति पर इस समय भरोसा ना करें, ना ही अपने किसी मित्र पर रिश्तेदार पर भरोसा करें, सोच समझ कर कोई डील करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर शुरुआत अगर बात करें तो जुलाई तक का समय आपके लिए सावधान रहने वाला रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि मीन राशि की ओर। मीन राशि वालों, आपके लिए गोचर बहुत ही लाभकारी रहने वाला है, काफ़ी भारी मात्रा में आपको धन लाभ इस समय होगा, संतान सुख की भी आपको वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा, अगर आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो विवाह का भी योग बनता हुआ नजर आ रहे हैं, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी, कोई नया रिलेशन, कोई नई मित्रता इस समय आपके बड़े काम आने वाली है। तो दर्शकों, ये था गुरु और शनि की युति का 13 महीने का राशिफल जो कि हमने आपको बताया,
और अगर आप कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं, ज्योतिष संबंधी को जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर फ़ोन करके आप हमें बताएं क्या जानना चाहते हैं। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। तो दर्शकों, आज फिलहाल ज्योतिष जी कैसा कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।